नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सारिका सक्सेना और आज इस नए वीडियो के द्वारा आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ, जिसमें कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, जो वायरस है जिसने सबको परेशान किए हुए है, उसके बारे में बात करेंगे कि सबसे बड़ा कॉज क्या है कि ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है, या इससे जो लोग अफेक्टेड हैं इससे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, समझने की बात है कि इससे किस तरह के लोग अफेक्टेड हैं, कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो क्योंकि योग की जो अप्रोच है वो आपको बताती है कि कोई भी चीज़ है उसके रूट कॉज में हम पहुँचते हैं। एक जो मेडिटेटर है, एक जो ध्यान करने वाला व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, वो हमेशा उसके रूट कॉज की बात करता है। तो जो भी सिचुएशन अभी अराइज़ हुई है, यानी कि उसका जो सीड था वो बहुत पहले से पड़ा था और अभी वो मैनिफेस्ट हो गया है करंट रियलिटी में, आपको ये समझना होगा कि कौन से लोग हैं जो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। ये वो लोग हैं जो कि हमेशा, जिन्होंने अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। लोअर वाइब्रेशन में जब हम जीने लगते हैं, यानी कि भाग दौड़ है, टेंशन है बॉडी में, डर है, जब हम अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड नहीं हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो वायरस है वो हमें अफेक्ट करने लगता है। क्योंकि आपके बॉडी का जो इलेक्ट्रो, जो मैग्नेटिक रेडिएशंस है, जो आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है, वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त करप्टेड है। जहाँ से ये वायरस निकला है वहाँ देखा गया है कि वहाँ पे जो 5G का उन्होंने जो प्रयोग किया है, तो 5G की जो रेडिएशंस हैं, सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव है, या आपके शरीर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है ये उसको डिस्टर्ब करता है, उसको ख़राब करता है। और ये वायरस उसी को ज़्यादा पकड़ रहा है जो कि हर वक्त टेंशन में है, वरी में है, जो ये सोचता है अरे कहीं मुझे हो तो नहीं जाएगा, अरे कहीं मुझे ना हो जाए। यानी कि आप फियर की वाइब्रेशन से कनेक्टेड हैं, आप अपने लोअर वाइब्रेशन में जी रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, आप एंग्शियस हैं फ्यूचर को लेकर के। तो हमें ये समझना है कि हम अपने माइंड लेवल पे इसको करेक्ट करें, तो सबसे जो बेहतर जो उपाय है इसको करने का वो मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन आपका, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड है, डिफ़ॉल्ट मोड यानी जब भी हम अपने आप को डिफ़ॉल्ट मोड पे डालते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम है, ये बेहतर तरीके से काम करने लगता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को, आपको लोअर वाइब्रेशन पे नहीं जाना है, आपको डर में नहीं जाना है, आपको टेंशन में नहीं जाना है। इसीलिए जो मेरा पहला मैसेज था वो यही था कि कुछ टाइम के लिए आप, अगर आपको ये चीज़ अफेक्ट कर रही है मेंटली बहुत ज़्यादा, तो आप मीडिया से दूर रहें, तो ताकि जो आपकी वाइब्रेशन है अभी वो और ज़्यादा नीचे ना जाए, हम डर की वाइब्रेशन से कनेक्ट ना हो। तो सबसे बेहतर जो इसका जो उपाय है वो मेडिटेशन है, आपको मेडिटेशन करना है, जिससे मेडिटेशन जो हो, जब हम करते हैं तो वो आपकी एनर्जीज़ को हमेशा हाई करता है, हाई रखता है, यानी आपको अपनी हार्ट की एनर्जी से कनेक्ट करना है। आप मेडिटेशन करते हैं तो आप लोअर नहीं जाते, आप लव की फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड होते हैं, आपका जो टेंशन होता है वो चला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडिटेशन में ये होती है कि हम किसी भी सिचुएशन से कनेक्ट नहीं करते, हम उससे अटैच नहीं होते, हम बस उसको एक ऑब्ज़र्वर की तरह देख रहे होते हैं। तो आपको इस सिचुएशन को भी सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, जैसे कि ये सिचुएशन आई है, अराइज हुई है और ये पास ऑन हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप ऑब्ज़र्विंग मोड में रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आप आपकी जो बेस्ट वर्जन है, आपकी जो बेस्ट फ्रिक्वेंसीज़ में रहेंगे और आप चीज़ों को बहुत जल्दी उसको पास ऑन हो जाने देंगे। तो आपको इस पूरी सिचुएशन को लेट गो करना है। ये तो रही मेंटल वर्क की बात, जो आपको करना है एवरी डे एटलीस्ट 20 मिनट से लेके आधा घंटा आपको मेडिटेशन करना है, जिससे कि आप अपने डिफ़ॉल्ट मोड से बंधे रहें, आप उससे कनेक्टेड रहें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहें, आपकी एनर्जीज हाई रहे।
यानी कि आपको डर को अपने मन में नहीं आने देना है। जो लोग डरेंगे उनको ये चीज़ बहुत जल्दी पकड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी लेवल पे हम अपने आप को कैसे हील रख सकते हैं। तो बॉडी लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि कुछ जो घरेलू जो बहुत ही सिंपल नुस्खे हैं पर वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट नुस्खे हैं। क्योंकि दवाइयों से जैसा कि कहा गया है इसका कोई क्योर नहीं है, अभी तक फ़िलहाल कोई बता नहीं पा रहा है कि इसका कुछ क्योर है। तो जो दवाइयाँ होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो हमारे गुड बैक्टीरियाज़ को भी किल कर देती है, बैड बैक्टीरियाज़ को किल करती है, बट फिलहाल अभी इसका कोई क्योर नहीं है। तो दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एवरीडे अपने रूटीन में आपको कुछ चीज़ें करनी हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप खाली पेट एक ग्लास पानी में, आपको हाफ टी स्पून ल्यूक वार्म वाटर में या वार्म वाटर में, जो पानी गर्म है उसमें आपको आधा चम्मच हल्दी डाल के पी लेना है खाली पेट मॉर्निंग में। क्योंकि हल्दी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबैक्टीरियल है। ओके, तो ये जो वायरस है इससे दूर रहेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है हल्दी, प्रोटेक्ट करती है, एक शील्ड बना लेती है आपके सेल्स में। तो हल्दी आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपके इम्यून सिस्टम को ये काफ़ी बढ़ा देगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, स्ट्रेंथन करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ध्यान करते हैं, जो ध्यानी लोग हैं, जो मेडिटेटर्स हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम एक किस्म का पानी पीते हैं, उसे आप अमृत की तरह भी देख सकते हैं। इस प्रेजेंट सिचुएशन में, सिनेरियो में भी आप उस पानी को अगर आप लेंगे तो आपके बॉडी के जो एनर्जी चैनल्स है, जो आपकी नाड़ीज है, वो क्लीन रहेगी। कौन सा है ये पानी? ये पानी है जिंजर वाटर। एक ग्लास पानी में आप जिंजर को, हाफ टी स्पून जो जिंजर का रस है, या आप उसको ग्रेट करके आप पानी में डाल लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए 10 मिनट्स के लिए, और उस पानी को आपको फ़िल्टर करके छान के पीना है। जिंजर वाटर आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन तो करता ही है, उसके साथ ही ये आपके एनर्जी चैनल्स को क्लीन करता है। यानी कि जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अगर आपके एनर्जी चैनल्स में जमते हैं, आपके ब्लड को भी प्यूरीफाई करेगा, तो ये उसको किल कर देगा, आपकी एनर्जीज को ये फ्लो में रखेगा। यानी कि जो वायरस है उसको जमने का या उसको वहाँ पे चिपकने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप जिंजर वाटर लीजिए, क्योंकि उस तासीर गर्म है, तो गर्म जो माहौल में वायरस, तो ये एक दूसरा नुस्खा है। प्लस आपको जो थर्ड जो इसका जो इसकी जो रेमेडी है, उपाय है, वो ये है कि आपको कुछ तुलसी के पत्ते खाने हैं एवरी डे, और आपकी कोशिश रहे कि आप उसे चबा के ना खाएं, उसमें मरकरी होता है, तो आपको उसको चबा के नहीं खाना है। आप उसको निगल सकते हैं, बट कुछ 5 से 6-7 आप पत्ते डेली खा लीजिए। तुलसी हर किसी के घर में अवेलेबल है। काली मिर्च और लौंग का काढ़ा अगर आप बना के आप पी सकते हैं तो ये बेस्ट है। तो अगर आप ये कुछ चीज़ें करेंगे तो बॉडी के लेवल पे आप अपनी शुद्धि करेंगे। आपने माइंड के लेवल की शुद्धि की मेडिटेशन करके, जिसमें आपने अपनी एनर्जीज को हाई रखा। सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो यही है। दूसरा, आपने बॉडी के लेवल पे अपनी एनर्जीज को हाई कर लिया, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लिया ये सारे नुस्खे करके। तीसरी बात हम करेंगे, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसको हम कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं, उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। ये सबके घरों में होता है, पर जो हम लोग जो शहरों में रहते हैं शायद इसको भूल गए हैं हम, जो बेहद ही ज़रूरी है वो ये है कि हम हवन करें अपने घर में। हवन करने से जो हमारी जो हवा है, हमारे घर की हवा, हमारे वातावरण में जो जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो आपको हवन करना है। बेहद ही ये आसान सा उपाय है। आपको या तो आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, आप नीम की लकड़ी ले सकते हैं, या जो गाय के गोबर से जो बना जो उपला है, कंडा है, उसको आपको लेना है, उसको बर्न करना है, आपको उस पर घी डालना है,
गाय का घी, भैंस का घी नहीं, गाय का घी आपको डालना है और उसमें थोड़ा गुड़ डालना है। ये आपकी परफेक्ट एक केमिकल जो कंडीशनिंग को तैयार कर देगा, जो कि आपके आसपास का जो जर्म है उसको मार देगा, वायरस को मार देगा, आपकी हवा को शुद्ध कर देगा। आप उसमें थोड़ा कपूर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास समिधा जो सामग्री है हवन की, जो यज्ञ है, इसीलिए यज्ञ किया जाता था, हर रोज़ आप यज्ञ कर सकते हैं। तो फिलहाल जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती, हम सब यज्ञ करें, हम सब हवन करें अपने घरों में। तो ये बेहद ही साइंटिफिक है, ये बेहद ज़रूरी है, ये इस करंट सिचुएशन की ये एक डिमांड है, हमें करना ही चाहिए। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बेहद ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये करना। तो आसान चीज़ें हमें करना पसंद नहीं होता, पर मैं आपको बता दूं कि ये आसान जो चीज़ें हैं, नुस्खे हैं, इसी में आपकी हेल्थ का राज है। तो अपने मेंटल हेल्थ की एक्टिविटी को आप बूस्ट कीजिए, उसको हमेशा वाइब्रेशंस को हाई रखिए मेडिटेशन करके। दूसरा, बॉडी को, बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको आपको आपको मेंटेन रखना है, उसको बढ़ाना है हल्दी पानी, तुलसी, जिंजर वाटर के साथ। तीसरी चीज़ है आपको हवन करना है। तो ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इस वक्त करने के लिए। तो तीनों लेवल पे आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, आपकी शुद्धि हो जाएगी और सारे समाज की शुद्धि हो जाएगी। अगर हम सारे लोग ये करने लगें तो बेहद ही जल्दी इस सिचुएशन से हम बाहर आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि फिर आप जब ये सारे लोग करने लगेंगे तो हम सारे एक दूसरे की एनर्जीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा होगा पॉजिटिविटी का। तो बस इतना सा करें, ये तीन उपाय हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त करना, तो करें। और अगर आपका आपका कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरा मेल आईडी है sarikasaxenayoga@gmail.com, SARIKASAXENAYOGA@gmail.com। आप मुझे उस पर पूछ सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं www.devisutra.in। यहाँ पे हमारे कंपनी का आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप इसमें भी हमें सवाल अगर चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखिए, फियर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को पास ऑन हो जाने दीजिए। जब तूफान आता है तो हम उसे पास ऑन हो जाने देते हैं, उससे लड़ते नहीं हैं। तो हमें लड़ने का प्रयास नहीं करना है, पर हमें समझ के काम करना है, हमें समझदारी के तहत काम करना है। सो आई विश यू ऑल गुड हेल्थ, जस्ट बी गुड एंड बी हैप्पी, स्माइल, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। कनेक्ट विद योर सेल्फ, अपने आप से जुड़े रहें, स्माइल कीजिए, बी हैप्पी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। थैंक यू, धन्यवाद।